नमस्कार, आज हम भानगढ़ में हैं, भानगढ़ किले में। और ये किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, बड़ा मशहूर है, दिल्ली के पास एक अच्छी डेस्टिनेशन है। और आज हमारे साथ में भानगढ़ के बारे में बताने के लिए हमारी गाइड गुलाबो जी है, जो यहीं आसपास गांव की रहने वाली। कौन सा गांव आपने बताया? गोला कबास की रहने वाली गुलाबो जी, और आज हमारी गाइड के रूप में हमारे साथ में है और हमें बताने वाली भानगढ़ का इतिहास। वैसे 1573 में ये किला बनाया गया, और बताइए क्या है इस किले के बारे में खास बातें? हाँ जी, वो पीछे वाला मार्केट था, उसको बोलते थे जोहरी मार्केट। ये यहाँ पर आप जब आएंगे तो शुरू में बता रही हैं कि एक दुकान बनी हुई है, काफी सारी 50-100 दुकानें बनी हुई है दोनों तरफ पंक्ति में रास्ते के दोनों तरफ, तो उसको जौहरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। किला राजा माधव सिंह का, राजा माधव सिंह ने किला बनाया। ठीक है, माधव सिंह भगवान दास था, उसका बाप, उसने किला बनाया था, बेटा ने राज किया था। अच्छा, भगवान दास ने बनाया, बेटा बाप ने, बाप ने बनाया माधव सिंह के लिए। ठीक है, माधव सिंह ने राज किया था, रानी रत्नावती रानी, राजा माधव, रानी पे बहुत गौर कीजिए आप। रानी रत्नावती, राजा माधव सिंह, तो जैसे शहर बसाया था सबसे ऊपर वो तांत्रिक जादूगर बिठाया था, बस्ती का रखवाला, जैसे हमला हो जाए, जैसे चोरी वगैरह हो जाए तो ऊपर से ध्यान रखेगा। वो जो चोटी पे दिख रहा है, राजा साहब बाहर ताश पे खेलने जाते थे, वो जाते थे, रानी के पास आना जाना शुरू कर दिया, उसको रानी पसंद हो गई, दिमाग लगाता रहा ये रानी कैसे रस्म होगी, कैसे अपनी होगी, उसने दिमाग लगाया कि दासी रोज मार्केट जाती है, कुछ न कुछ सामान लाएगी, उसमें गड़बड़ी करेंगे अपनी हो जाएगी। तो दासी कली महल से तांत्रिक चला पहाड़ से, तो जैसे उसको आने में देर हुई, जितने दासी लौट के आ गई, बोलो क्या लाएगा, कुछ भी नहीं कि बताओ क्या लाएगा, उसने बता दिया, तो और सामान में तो गड़बड़ी किया नहीं, सिर में लगाने के तेल में तंत्र मंत्र करके काला जादू कर दिया। तो फिर रानी बोली, भैया कौन मिला था? कोई नहीं, बताओ कौन मिला था? कि रानी साहब जादूगर मिला था। तो ठीक है, सिर में आप भी मत डालो, मैं भी नहीं डालूंगी, जैसे बड़ा वाला पत्थर बताऊंगी, मेरे साथ बाहर चलो, बड़ा वाला पत्थर पता है, जो भी तंत्र विद्या होगी तो पत्थर को जाएगी, पत्थर पर तेल डाला तो पत्थर उठ के तांत्रिक की साइड गिर गया। शाम को राजा आया, रानी ने पूरी बात बताई, तांत्रिक ऐसे करा, तंत्र विद्या चला दिया। फिर ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जैसे बोलूँगा तो और भी सोचेगा, थोड़ा दिन का गैप लगा दो तो तुमको सोचना ही पड़ेगा। तो थोड़ा दिन का गैप लगाया, नौकर चाकर भेज कर उसको नीचे बुलाया, नीचे बुला कर प्यार से समझाया, आप तो बहुत अच्छा जादूगर हो, पूरे शहर नंगे का ध्यान रखता हो, तो एक काम मेरा भी करो, बोलो राजा साहब करूँगा कि भैया आपका वहाँ कुआँ भी है, बावड़ी भी है, तो उसमें पानी ले कर दिखाओ। बोलो राजा साहब मैं पानी ले कर दिखाऊँगा, मेरी कमर पर रस्सियाँ बांधो, अंदर करो वापस ले लो। तो ठीक भैया, उसका नौकर चाकरों को लेकर रस्सी लेकर ऊपर गया, उसकी कमर पर रस्सियाँ बांधे, अंदर करे, उसने तंत्र मंत्र करे, तो पानी एक साथ हो लिया, एक साथ पानी गया, तो चिल्लाने लगा कि राजा साहब ऊपर ले लो, राजा साहब ऊपर ले लो, राजा साहब ने ऊपर लिया नहीं, ऐसे देख के रस्सियाँ छोड़ दिया। तो पानी में इंसान जाता तो एक वो वापिस भी आता है, तब बोला कि राजा साहब अकेला नहीं जाऊँगा, बस्ती को लेके जाऊँगा, मेरी जान तो जा रही है, धर्मों का 5 मंदिर बचेगा, एक झटका में 3 घंटे के समय में आपका भानगढ़ समाप्त हो जाएगा। राजा साहब जी वहाँ से जल्दी आया, जैसे ऊँट था, हाथी था, घोड़ा था, जल्दी मैन सामान लगाओ, नौकर चाकरों को बोल दिया, सामान लगा के किला से बाहर 3 घंटे के समय में बाहर हो लिया। बारिश आई, भूखम आई, एक झटके में भानगढ़ समाप्त हो गया, जैसे निकल चुका तो निकल चुका ना, पूरे लोग ये स्टोरी है। और बोलते हैं भूत हैं, कुछ भी नहीं है, जैसे पुराना माल खजाना है, गवर्नमेंट लाइट लगाएगी, अलावा करेगी, तो लोग बाग गड्ढा ही गड्ढा मचाएंगे, इसलिए बोलते हैं भूतों का भानगढ़। क्या लिए बोलते हैं, फिर से बताइए, भूतों का क्यों कहते हैं इसको? पुराना माल खजाना, 500 साल पुरानी बात है, तो जैसे माल खजाना यहीं रह गया, जान लेके भग गया, तो तला का माल खजाना यहीं रह गया, अब गवर्नमेंट लाइट लगाएगी, अलावा करेगी, तो लोग बाग गड्ढा ही गड्ढा मचाएगा, इसलिए बोलते हैं भूतों का भानगढ़ है, भूतों का किला है। अच्छा, खजाना निकाल लेगा कोई? ऐसे है कुछ भी नहीं, जंगल में से जानवर आता है। खजाना है क्या? बहुत खजाना है। तो फिर 3 किलोमीटर आगे से पानी आता है, यहाँ जंगल का जानवर आता है, पूरा एरिया सरिस्का में पड़ता है। सरिस्का में है पूरा? तो इसमें जानवर हैं, ये डर है और कुछ भी डर नहीं, ये अफो डाल रखी है, जैसे लोग ज्यादा आ जाएगा टिकट बन जाएगा।
इसीलिए लोग भूतों की वजह से आते हैं कि ऐसी कैसी जगह देखने आते हैं। ये तथ्यात्मक बात कही है दादी ने। कितने मंजिल का बना हुआ है? 7 मंजिला। तो अभी एक आध फूट गई, इसमें 3 गिर गई। 3 गिर गई ऊपर वाली? हाँ। अच्छा, ऊपर की 3 गिर गई। अच्छा। राजा साहब नकल चुके थे, बाद में गिर गई। तो नीचे गड्ढे बने हुए हैं, वो क्या चीजें हैं? बीच में जेल है। अच्छा, जेल है वो? वो जेल है, उसमें मर गया तो उसमें डाल दिया, उसको बोलते है तहखाना काल कोठरी। तहखाना है वो? काल कोठरी तहखाना, ठीक है। और वो कमरे छोटे छोटे हैं बहुत? वो छोटे छोटे सब राधा का रानी का दासी दरोगा नौकर था। छोटे कमरे में तो बेड भी नहीं आता होगा उनका? तो जैसे छोटा छोटा दासी अकेली रहती थी उसका कमरा था, जैसे नौकरी केला रहता था उसका कमरा था। बड़ा कमरा कौन देगा नौकर था? राजा का कमरा कौन सा था वो? तो राजा रानी का गिर लिया ना, गिर गया वो, 3 मंजिल गिर गया। परिवार था, दासी थी, नौकर था, जैसे हाथी का घोड़ा का ऊंट गधा का सबके नौकर था, गिर लिया। वो तो मेरा तो नहीं पूरा। उसमें टॉयलेट भी बनी हुई है अंदर? हाँ, सब। अच्छा अच्छा, कितने साल पुराना होएगा ये? 120 साल तो राज किया था, 500 साल पुरानी बात है। 500 साल पुरानी बात है। जैसे जागा आते हैं ना, जैसे अपना नाम मानते हैं, हाँ, सात पीढ़ी का, तो उसने बताया है नहीं, उसी समय का तो एक भी जिंदा नहीं है। 500 साल से जिंदा कौन रहेगा? तो जागा की बताई हुई है ये से। उनके वंश है कोई? अभी जयपुर में है आमेर किला में, देखो एक देवी होगी। कौन सी देवी? इधर देखो। हाँ, देख लिया। कौन सी देवी? ऊपर देखो, इधर से देखो, झंडा लगे हुए हैं। हाँ, झंडे देख लिए हमने, वो अभी गए थे उधर। हाँ, वो है सती माता बोलते हैं। सती माता? हाँ, जैसे यहाँ से निकास हो गया, औलाद से औलाद, औलाद से औलाद हुई, तब जागा ने बताई आपकी सती माता ऊपर, वो आके यहाँ छोटी गडूला दे के झंडा लगाया गया है। और ये क्या चीज का मंदिर है? गोपीनाथ कृष्ण भगवान। अच्छा, एक इधर शिव जी का मंदिर है सोमेश्वर, वो शिव जी का है? इधर मंगला में माता ये, है। एक इधर, एक दो मंदिर इधर भी है, इधर वो क्या है? एक मंगला माता, एक केसर माता। ये कौन है मंगला माता केसर माता? माता होती है नहीं, मतलब कौन सी देवी है, कौन सी भगवान देवी का? है मंगला देवी है, केसरा देवी है, जिसी नाम है मंगला देवी और केसर देवी। अच्छा, जिसी कुछ किसी की कुल देवी होगी, कुल देवी। हाँ, ये नाम है। और जैसे इसने तो करण अर्जुन की शूटिंग मनाई थी, प्लास्टिक की काली मैया की मूर्ति लगाई थी इसमें। हाँ, करण और अर्जुन की। अच्छा, करण अर्जुन की देखिए शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, इसमें रास्ते में बरगद का पेड़ भी है, और इसमें अंदर भी हुई थी शूटिंग? अंदर नहीं, यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे सीन होता है माता के मंदिर में, वो गाना है ना, वो बात कर करण छूते हैं माँ के, वो वाला सीन है। अच्छा, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्ति वो वाला। अच्छा, प्यार के बंधन का गाना यहाँ पे आता है। और कौन सा है? जौहरी बाजार में भी है? जौहरी बाजार में तो रंडी है बेली। अच्छा, रंडियों के बेली हो। अच्छा अच्छा, हाँ, नाच गाने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी थी पहले? हाँ, सब थी। बड़ा भारी शहर था। अच्छा, बड़ा आबाद शहर था। आबाद इसका नाम भानगढ़ था तब? इसका नाम भानगढ़ था, पर वो उसमें जो आप कह रहे हैं वो घटना हुई उसमें सब खत्म हो गया, सब लोग भी खत्म हो गए। और 14,000 लोग थे, 14,000 जनसंख्या थी यहाँ की। हाँ, तो 7,000 लोग निकल पाए, 7,000 लोग मर गए। जो निकल गए वो कहाँ गए? जैसे मामा के गए, बुआ के गए, किसी ने हाथ जोड़ा, पग पकड़े, भैया आप हमको यहाँ रहने दो, ऐसे जान बचा लिया। ऐसे तय नहीं भी जाके जबकि जबी मकान बना लिया। ये कितने दिनों पहले ये सरकार ने ले लिया अपने अंदर में? यहाँ इस सरकार ने ले लिया 400 साल हो गई, पर पहले तो गौर करी नहीं। ऐसे पार्क भी बना लिया। ये कब बनाया सरकार ने पार्क? हाँ, पार्क बनाया 45 साल। अच्छा, 45 साल से सरकार के पास में। टिकट कब से लगने लगे? पार्क तो अभी बनाया भाई 45 साल पहले, सड़क बन गई, सड़क कर पार्क बनी। अच्छा, ये सड़क है जो 45 साल पुरानी है? ये है, यह मार्केट था, उसमें गया रोकड़ा बरकड़ा, बिल्कुल बंद हो गई, तो गवर्नमेंट ने सफाई करवाई, फिर छतियाँ डाली, फिर पत्थर निकला तो उसने रोड बनाया। हनुमान जी मंदिर बाद का बना हुआ है। अच्छा, राजा का समय का नहीं थे, तो वहाँ से सड़क चल्लू करी। कहाँ, किस जगह पे वो हनुमान जी का मंदिर? जैसे इधर भी मंदिरों में सड़क है, मंदिरों कालागौर हो गए तो उसमें धुपा दिया, उसमें नौकर बिठा दिया, वहाँ से यहाँ तक झाड़ू लगाने वाला बिठा दिया, ठीक महल तक झाड़ू लगाते हैं, ये पार्क में मैं साफ सफाई करते हैं, मंदिरों को काला गोरा को धुपा दिया, उसमें नौकर था। काला गोरा मतलब? इसे बहुत पुराना हो गया, बारिश से काला हो गया, तो उसकी धुपाई नहीं करवाई गवर्नमेंट ने, सफाई करके उसकी। हाँ,
सब गाइड वगैरह लगा। अच्छा, यहाँ के बारे में जो जिंद या इस तरह की भी कुछ कहानियाँ जोड़ बाबा है तो उसकी तो अलग ही पूजा होती है, वो किसी से कुछ भी नहीं करते। ये टिकट कब से चालू हुए? टिकट को 2-1 साल हो गए। 2-1 साल से? हाँ। पहले तो कोई भी आ सकते थे, यहाँ तक गाड़ी है, कोई भी आओ और कुछ देखो। हाँ। लोग बाग ज्यादा यहाँ भीड़ है। क्या है? पहाड़ी इलाका है। हाँ। इसमें आप पूरा बंदे चले गए। हाँ। जैसे आपकी दुश्मनी थी, किसी को आपने एक कुमार डाला, फिर ये हिरता थक गया, क्या बंद कर लो टिकट लगा दिया, जैसे अभी वहीं से मालूम चल जाता है कौन आया है। इसी टिकट लगाया गया। और कोई बात है इसके बारे में, भानगढ़ के बारे में कोई? सारी बात बता दी। आसपास के गांव के लोग भी देखने आते हैं? बहुत, बम्बई, कलकत्ता, लोहा, कोई नाम ही नहीं है। नहीं नहीं, आसपास के गांव का पूछ रहा हूँ, उनको कोई काम धंधा मिला है इसकी वजह से? इसके वजह से काम धंधा, जैसे रोड चला था, जैसे ये खुदाई चली थी तब मिला था। अच्छा, अब दुकानें वकानें नहीं बनाई पर कोई? नहीं नहीं, और ये मकान को जैसे उसने शराब लगा दिया ना, तो कोई ने पूरी करने की कोशिश नहीं करी। नहीं, लेकिन जैसे इतने लोग देखने आते हैं, ये लोग पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं या चिप्स खरीदते हैं या चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ लियाओ, खूब आराम से खाओ, बाकी यहाँ दुकान नहीं है। नहीं, यहाँ दुकान बना दे तो क्या बोले, गाँव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट का कानून नहीं है। अच्छा, कानून नहीं, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर से ही तो बनेगा। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65-55। 65-55, ठीक है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसा गाइड आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, हमें एक बहुत बेहतरीन गाइड मिली गुलाबो जी, उनसे बात करके आज हमने आपको भानगढ़ की कहानी समझने सुनाने की कोशिश की। और कभी आइए आप भी, बड़ा सुंदर लगता होगा, ख़ासतौर पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का समय शायद बहुत आदर्श है इसके लिए, जब हरियाली होती होगी। सही टाइम है सितंबर अक्टूबर का है ना, क्योंकि हरियाली रहती होगी पूरी, हरियाली, बारिश के ठीक बाद में, बारिश में तो ऐसी सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, अगली बार हम बारिश में आएंगे। झंडो रहने को ऊपर भैया, वो संत बाबा, देखो भैया, आपने सारी बात नहीं बताई। देखो वो झंडा दिखता है, कोई लोग देखते हैं कोई नहीं देखते, इसलिए नहीं बोला हमने, वो पत्थर है ना। हाँ, वो सबसे दौड़ा झंडा है। हाँ, है ये देवी, तो मैंने बता दी। हाँ। बोले कोई किसी की तो शौक होती है देखने की। हाँ। किसी की नहीं होती ना, इसलिए नहीं बताई। संत बाबा का झंडा है। हाँ, ये जिंद बाबा है, नीचे भूमिया बाबा है, इधर गणपति पापा है, भैरू जी है, बालकनाथ बाबा है, शिव जी भी। देखिए कितने सारे, मतलब आपने ना अपनी कहानी छोटी सुनाई है, आपसे ना हमको अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो आप बताएंगे नहीं कुछ। जैसे वहाँ कोई जाते भी नहीं है तो कैसे बताएंगे, कोई जाते नहीं, नहीं ये तो गाइड की जिम्मेदारी है सारी बात बताने की। सारी बात बताएंगे, कोई बोलेगा हमको जैसे क्या मालूम है, कोई आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ काम पर्यटकों को खुद भी करना चाहिए, थोड़ा गूगल करके आना चाहिए और खुद मेहनत करके खोजना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, फिर हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, आप भी आइए भानगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद अशोक जी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। शुक्रिया।